तो जब मौसम बदलता है तो बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कुछ बच्चों को बुखार भी हो जाता है इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से। तो इस टाइम पर अगर हम बच्चों को, बड़ों को, सभी को आटे के लड्डू बनाकर खिलाएं तो ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। तो सबसे पहले मैंने आटे के लड्डू बनाने के लिए आटा ले लिया है। आटा मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है, ये गेहूं का आटा है। 500 ग्राम मैंने आटा लिया था। तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर देसी घी ले लिया है। तो सबसे पहले हम आटे को भूनकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील की कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई हमें थोड़ी बड़ी रखनी है ताकि जो आटा है हम उसे भूने तो अच्छे से चला सकें। आटे में मैं तुरंत पहले से घी नहीं डाल रही हूँ। अगर पहले से आटे को हम थोड़ा सा भून लेते हैं उसके बाद घी डालते हैं तो आटा जो है थोड़ा सा जल्दी भुन जाता है। फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। ये स्टील की कढ़ाई है तो इसमें फ्लेम को हमें एकदम लो ही रखना होगा, अदरवाइज़ जो आटा है वो बहुत जल्दी जलने लगता है। तो आटे को भूनते हुए मुझे लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। तो यहाँ पर 300 ग्राम मैंने घी लिया था, जिसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा घी मैं आटे को भूनने के लिए इस्तेमाल करूँगी। बाकी बचा हुआ जो घी है उससे हम ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम को एकदम लो करके आटे को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आटे को हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। हमारे अगल बगल वाले आके जैसे ही आटा भूनता है खुद ही पूछने लगते हैं, अरे आज कुछ बन रहा है क्या, बहुत ही अच्छी सी महक आती है। आटा भूनकर हमारा तैयार है। आटे को मैंने अभी साइड में रख दिया है और अब हम ड्राई फ्रूट्स रेडी करेंगे। तो आटे के लड्डू में डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक नारियल का गोला लिया है, सूखा नारियल का गोला है जिसे खोपरा भी बोलते हैं। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। एक पूरा नारियल का गोला मैंने ले लिया है। अब ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। तो लगभग 30 ग्राम मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। मखानों को भी हम भून लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है और इन्हें क्रिस्पी होने तक भून लेना है। इन्हें भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। मखाने भुने हैं कि नहीं ये आप एक पीस तोड़कर पता कर सकते हैं। अगर मखाने भुन जाते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं, और अगर मखाने नहीं भुने होते हैं तो इतनी आसानी से ये टूटते नहीं हैं। अब वापस से मैंने एक चम्मच देसी घी ले लिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पर 100 ग्राम मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम को हम हल्का सा चटकने तक भूनेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो देखिए एक मिनट के अंदर हमारे बादाम भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब ये चटकने लगे हैं तो इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम काजू भी भून लेंगे। ये काजू मैंने 75 ग्राम लिए हैं। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, और जब मौसम बदल रहा हो स्पेशली तब तो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनिटी है इन सब चीज़ों को खाने से हमारी बढ़ जाती है। तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार की जो दिक्कतें आती हैं मौसम बदलते वक्त वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर 4 चम्मच मैंने पॉपी सीड्स यानी कि खसखस का दाना ले लिया है। ये भी हम भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाते हैं। फ्लेम को एकदम लो रखना होगा और ये भी चटकने से लगते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा ये भूनते ही। तो खसखस के जो दाने होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और ये हमारी कई तरह की बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इन्हें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने कढ़ाई में डाला है एक चम्मच देसी घी। अब हम इसमें भूनेंगे नारियल का जो हमने कद्दूकस करके बुरादा तैयार किया था, उसे भी हम भून लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पर हल्का सा नारियल का बुरादा जो है वो भून गया है, तो इसी में मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर मैंने यहाँ 2 चम्मच जिंजर पाउडर लिया है यानी सौंठ का पाउडर। तो इसे हमें बहुत हल्का सा भूनना होता है, तो मैं यहाँ पर नारियल के बुरादे में इसे हल्का सा लास्ट में भून रही हूँ। जो जिंजर पाउडर होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसे किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। घुटनों में कई लोगों को दर्द रहता है सर्दियों में, उसको हटाता है। जोड़ों के दर्द से बचाता है यानी कि शरीर की सूजन को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दी खांसी जुकाम वगैरह से हमारी बचत होती है इसको खाने से। यहाँ पर एक क्लिप मिस हो गई है जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ वापस से मैंने सेम कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने लगभग 4 चम्मच देसी घी डाला है। इसमें हम भून रहे हैं गोंद। ये खाने वाला गोंद है 50 ग्राम। इसे आप किसी भी ग्रॉसरी की दुकान से ले सकते हैं, सभी ग्रॉसरी की दुकान पर मिल जाता है। और ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली सर्दियों में तो गोंद ज़रूर खाना चाहिए। तो गोंद जो होते हैं पॉपकॉर्न की तरह भूनते हैं, तो थोड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं। आप इसमें से एक दाना तोड़कर भी देख सकते हैं। जब ये गोंद टूटने लगे इसका मतलब है जो ये गोंद है ये अब तैयार है। तो चलिए इसे भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रेडी कर लिए हैं भून के, और साथ में मीठे के लिए मैंने यहाँ पर देसी खांड ले ली है। देसी खांड की जगह इसमें आप भूरा डाल सकते हैं या गुड़ का पाउडर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए अब एक एक करके हम ड्राई फ्रूट्स को क्रश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बादाम लिया है, बादाम को कूट लिया है।
और अब इसके बाद हम काजुओं को भी कूट लेंगे। अगर आपके बच्चे जो हैं बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मुंह में दाने आते हैं वो नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है, तो आप इसे मिक्सी के जार में भी पीस कर डाल सकते हैं लड्डुओं में। मुझे तो ये जो दाने जैसे मुंह में आते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कूटनी का यूज़ कर रही हूँ इसे कूटने के लिए। जो गोंद है इसको भी हम हल्का हल्का हाथ से इसी तरीके से कूट लेंगे। इसे कूटनी में डाल के कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कूट जाता है। अब हमने जो मखाने भून कर लिए थे उन्हें भी कूट लेंगे। थोड़ा सा इसका हमें पाउडर जैसा तैयार करना है, यानी थोड़े खड़े खड़े पीसेस रहेंगे, थोड़े कूटे हुए पीसेस रहेंगे। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी ये काट कर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप मिक्सी के जार में भी इन सब चीज़ों को पीस कर तैयार कर सकते हैं, यानी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। बस ड्राई फ्रूट्स को पीसते वक्त आप ये ध्यान रखें कि इसे आप पल्स मोड में ही पीसें ताकि आसानी से पीस सकें। अब हमने जो पॉपी सीड्स तैयार करके रखे थे वो भी हम मेवे में डाल देंगे, और लास्ट में हमने जो नारियल का बुरादा एक साइड रखा था वो भी हम इसमें मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लड्डुओं के लिए हमारा ड्राई फ्रूट मिक्स जो है ये तैयार है। अब हमने जो आटा पहले से भून के रखा था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मुझे जो आटा चाहिए होता है लड्डू बनाने के लिए वो हल्का सा सौंधा सौंधा गर्म चाहिए होता है, तो लो फ्लेम पे मैं इसे वापस से गर्म कर रही हूँ ताकि जो इसमें घी जम जाता है वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, यानी कि थोड़ा सा जो सीलन टाइप की हो जाती है वो हो जाए। अब फ्लेम को मैंने अभी बंद कर दिया है और बाकी की चीज़ें भी मैं कढ़ाई में मिला ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी बड़ी है तो आसानी से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्स मैंने तैयार किया है उसे भी मैं आप कढ़ाई में डाल रही हूँ। हाथ से छूने लायक जो आटा है उतना गर्म होना चाहिए, तो मैंने बस उतना ही गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब मैंने जो देसी खांड रखी थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये जो देसी खांड है ये टोटल 700 ग्राम है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी और टेस्ट करूंगी। मुझे जितने देसी खांड की ज़रूरत लगेगी बस मैं उतना ही डालूंगी। तो यहाँ पर टेस्ट करके मैंने देख लिया है तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा देसी खांड मैं इसमें और मिला रही हूँ। टोटल देसी खांड मैंने इसमें जो मिलाई है वो 500 ग्राम है। बची हुई देसी खांड को मैंने नाप कर देख लिया था वो 200 ग्राम थी, तो टोटल मीठा इसको करने के लिए 500 ग्राम आटे के लिए 500 ग्राम ही देसी खांड का यूज़ हुआ है। तो अब हमारा जो मिक्स रेडी हुआ है उससे हम लड्डू जैसा बनाकर देखेंगे। अगर लड्डू बन रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो इसमें 3-4 चम्मच घी हमें और डालना होता है पिघला के। घी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा कम ही रखा था ताकि जो घी है वो ज़्यादा ना हो जाए, आजकल लोग घी थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं, तो मैंने भी थोड़ा कम ही डाला था। अब हम एक एक करके सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। लड्डू को बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा मिक्स हम हाथ में लेंगे, छोटे बड़े कैसे भी साइज़ के लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। तो लड्डू तो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो चलिए इन लोगों को भी थोड़ा टेस्ट करा ही देते हैं हम। बेचारे ये दोनों बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इन लड्डुओं को आप एक एयरटाइट कंटेनर में भर के आराम से 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, पूरी ठंडी आराम से चल जाते हैं। इन्हें आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर भी रखेंगे तब भी आराम से चल जाते हैं। तो बस इन सर्दियों में आप इसे एक बार बनाइए और 3-4 महीने तक खाइए और पूरे परिवार को हेल्दी रखिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी रेसिपी आटे के लड्डू की, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको ये लड्डू बनाकर खिलाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।